السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ناصرين الكرام آداب الزندگي كي एपिसोड में सिलसिलावार चलने वाले बयानात में आपका इस्तकबाल है इंशाअल्लाह आज का ये सिलसिला दोस्ती के आदाब पर मुश्तमिल होगा इशा हम मतिना वक्त में कुरान और, और सुन्नत की रोशनी में दोस्ती के क्या आदाब हैं जानने की कोशिश करेंगे मोहतरम नाजरीन दोस्त इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत है दोस्ती है तो ज़िंदगी है ज़िंदगी है तो दोस्ती हर शख़्स को मर्द हो या औरत हो बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो दोस्त की ज़रूरत पड़ती है यकीनन हमारी अपनी ज़िंदगी माँ बाप बीवी और बच्चों से मुकम्मल हो जाती है लेकिन चूँकि इंसानती जानदार माशरे में रहना पसंद करता है अपने जैसे लोगों के साथ मेल जोल अपने जैसे लोगों के साथ खाना खेलना कूदना उठना बैठना पसंद करता है ये उसकी फितरी ज़रूरत है इंसान की फितरत में है कि वो अपने जैसे लोगों के साथ उठे बैठे उनके साथ रहन सहन बोदोबाश इख्तियार करें और उनके साथ दोस्ती करें मेल जोल करें तो ज़रूरी है कि कोई तो हो जिससे हम मेल जोल रखें कोई तो हो जिसके साथ हम उठे बैठें कोई तो हो कि जिसके साथ हम अपना गम हल्का करें कोई मसला है किसके सामने आप बयान करेंगे कोई परेशानी है आप किसके सामने जिक्र करेंगे कोई ना कोई चाहिए जो हमारा अपना हो दिल के करीब हो हम जिससे राज की बात कह सकें जिसको अपना हमराज बना सकें वो दोस्त होता है वो खलील होता है वो हमीम होता है वो यार होता है जिगरी दोस्त होता है कि हम अपने दिल की बात उसके सामने रख सकते हैं अपने मसले उसके सामने पेश कर सकते हैं अपनी कोई तकलीफ कोई परेशानी हो तो उससे बयान कर सकते हैं कि बयान करने से बोझ हल्का होता है गम कम होता है दुख का एहसास कम होता है जबकि आपके दुख को बांटने वाला कोई हो आपके मसले को हल करने वाला कोई हो आपकी मुश्किल को सुलझाने वाला कोई हो आपकी उलझी हुई गिरा को खोलने वाला कोई हो तो यकीनन आप पुरसकून इतमान की राहत भरी चैन भरी जिंदगी गुजारते हैं ये दोस्त होता है इस दोस्ती के कुछ आदाब हैं दोस्ती के कुछ तकाजे हैं और दोस्तों की कुछ किस्में भी हैं एक तो वो दोस्त हैं के जो हमारी दौलत की वजह से हमारे दोस्त बन जाते हैं मफाद परस्त खुद गरज हमारे पास दौलत है उनको हमसे मतलब नहीं होता उनको दोस्ती के पीछे अपनी मफा अपने मफाद अपनी गरज के पूरा करने से मकसद होता है मतलब होता है तो हमसे दोस्ती करते हैं बाहिर वो हमारे दोस्त रहते हैं लेकिन मफाद परस्ती की आड़ में दोस्ती निभाते हैं या दोस्ती की आड़ में अपने मफाद को हासिल करते हैं दोस्ती के पर्दे में अपनी गरज पूरी करते हैं इस तरह के दोस्त आपको दुनिया में बहुत मिल जाएंगे खुद हो सकता है कि आपके भी दोस्त कुछ ऐसे हों कुछ मुखलिस होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि जो आपकी दौलत की वजह से आपके दोस्त हैं अगर आप अपनी दौलत से अपने माल से अपने पैसे से उनको फ़ायदा पहुंचाना छोड़ दें तो आपके दोस्त नहीं होंगे वो दुश्मन बन जाएंगे जब तक आपका पैसा उनके काम आ रहा है तब तक वो आपके दोस्त हैं बज़ाहिर मुखल भी होंगे दूसरी किस्म के दोस्त वो होते हैं कि जो आपके खानदान आपके मर्तबे, आपकी जाह और हशमत को देखकर आपके दोस्त बनते हैं कि आपका खानदान ऊंचा है वो आपसे दोस्ती करेंगे तो उनकी इज्जत में इजाफा होगा उनके मर्तबे में इजाफा होगा आप माशरे में बावकार हैं वह आपसे दोस्ती करते हैं ताकि उनके वक़ार में इजाफा हो आपकी पदर आपकी मंजिलत लोगों की नज़रों में ज़्यादा है तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं कि इसी बहाने आपकी कदर व मंजिलत में से उनको भी कुछ हिस्सा मिले लोग आपकी कदर करते हैं उनकी भी कदर करें लोग उनको आपके दोस्त की हैसियत से पहचाने और बहुत सी दफ़ा उनके काम जो बन ना पा रहे हों आपके मतबे का इस्तेमाल किए बगैर वो काम बन जाए तो ये भी मतलब परस्त खुद गरज दोस्त होते हैं उनको आपके पैसे से नहीं आपके मर्तबे से गरज होती है आपके ख़ानदान से गरज होती है आपके वक़ार और जहाँ हिस्मत से गरज होती है आपकी कदर व मंजिलत और लोगों की नजरों में आपके मर्तबे से गरज होती है कि आपका मर्तबा, आपका ख़ानदानी वक़ार आपकी इज्जत आपकी हिस्मत उनके काम आती है और उनकी उलझी हुई सुलझ जाती है दोस्ती की तीसरी किस्म है या दोस्तों की तीसरी किस्म है मुखलिस दोस्त जो आपके लिए अपने दिल में प्यार रखते हों जो आपके लिए अपने दिल में प्यार रखते हों खलूस रखते हों आपकी दोस्ती के पीछे उनकी कोई गरज ना हो बल्कि चूंकि आप अच्छे हैं इसलिए वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी अच्छाई की वजह से आपकी नेकी की वजह से आपकी पारसाई या आपके तकवा की वजह से वो आपसे करीब आना चाहते और आपके दोस्त बनना चाहते हैं ये दोस्त हैं जो दुनिया में भी हमारे लिए बास फ़ख्र होते हैं हमारे साथ सीधे रास्ते पर चलने वाले सिरात मुस्तकीम पर जमे रहने वाले इस तकामत का दर्ज देने वाले नेकियों में हमारा हाथ पकड़ने वाले हमको हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाले बुराइयों से हमको रोकने वाले अगर हम गलत कदम उठाएं तो हमारे कदम को रोक लेने वाले ये दोस्त होते हैं ये तंगी में खुशहाली में खुशियों में गम में हर जगह हमारे साथ होते हैं क्योंकि उनकी कोई गरज़ हमारी दोस्ती से वाबस्ता नहीं होती वो हमारी अच्छाई की वजह से हमसे प्यार करते हैं और वो प्यार जो अच्छाई की वजह से मिलता है वो खलूस भरा होता है माशरे में ऐसे दोस्त कम होते हैं उमूमन आप लोगों पर उनके यारों दोस्तों पर नज़र डालेंगे तो आप समझ समझ जाएंगे कि ज़्यादातर लोगों की दोस्तियाँ या तो माल और दौलत की वजह से हैं और या तो ख़ानदानी मरतबे वक़ार और जाओ हिस्मत की वजह से है बहुत कम ही दोस्त होते हैं कि जिनकी दोस्तियाँ खुलूस पर मबनी होती हैं बे होती हैं बेलोस होती हैं सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी नेकी से प्यार करते हैं आप चूंकि अच्छे इंसान हैं इसलिए वो आपसे मोहब्बत करते हैं आप चूँकि पारसा और मतियाँ इसलिए वो आपसे दोस्ती करते हैं और ऐसे ही दोस्त شريعة اسلامية كي نزلوا مي الله تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله". मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं एक दूसरे के दोस्त हैं एक दूसरे के वली हैं वाली हैं एक दूसरे के जिम्मेदार हैं एक दूसरे के मुखलिस और हमदर्द तरीन साथी हैं औलिया मोमिन मर्द मोमिना मर्दों के बेहतरीन दोस्त हैं मददगार हैं मोमिना खातीन अपनी जैसी खातीन की बेहतरीन दोस्त हैं मजबूत सहेलियां हैं हमदर्द हैं हम हैं क्या है इनकी हमदर्दी इनकी गमगुसारी इनके प्यार इनके खुलूस और इनके हकीकी वली होने की अलामत बिलमूफ और भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं आप भलाई करें ये वो चाहते हैं आप भलाई करें भलाई में आगे बढ़ें ये उनकी ख्वाहिश होती है वो खुद अच्छे होते हैं इसलिए अपने दोस्तों को अच्छा देखना चाहते हैं उनके दिल साफ सुथरे उनके जज्बे खालिश होते हैं इसलिए अपने दोस्तों को भी साफ सुथरे पाकिजा और खालिश जज्बे वाला देखना चाहते हैं और इंसान साफ सुथरा पाकिजा कब होगा जब वो मारूफ नेकी भलाई खैर के काम करेगा अगर मैं अच्छा हूं तो मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ में रहूं वो भी अच्छे हों। ये कैसे होगा कि मैं खुद तो अच्छा रहूं और जिन लोगों के साथ में रहता हूं अच्छे ना रहे ऐसा नहीं हो सकता और अगर कोई बुरा है तो वो अच्छों के साथ नहीं रह सकता जैसे दूध एक बर्तन में दूध हो दूसरे बर्तन में हो तो आप एक बर्तन का दूध दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं दूध दूध है दूध में दूध मिल जाएगा दोनों अच्छी चीजें हैं लेकिन अगर एक बर्तन में तेजाब हो और दूसरे में दूध हो तो आप दोनों बर्तनों को बहुत दूर रखेंगे एक दूसरे में मिलने नहीं देंगे क्योंकि दूध खराब हो जाएगा तो ऐसे ही अच्छे दोस्त होते हैं या मरू न व या हो नारिन मुनकर बलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं वो खुद नेक होते हैं नेकी करते हैं अपने दोस्त का हाथ पकड़कर नेकी की तरफ लेकर आते हैं नेकी की राह में चलने में उसकी मदद करते हैं और बुराई से रोकते हैं बुराई को ना पसंद करते हैं बुराई उनको ना गवार गुजरती है अल्लाह की नाराजगी उनको गवारा नहीं होती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी वो पसंद नहीं करते ना खुद करते हैं और ना अपने साथ वालों को करने देते हैं यह मुरू नबिलूफ व यह न ये है मोमिन दोस्तों की अलामत इसीलिए अल्लाह ताला ने यहां पर सिर्फ उनको दोस्त या रफीक या सदीक करार नहीं दिया बल्कि कहालिया एक दूसरे के वाली हैं दोस्त से बढ़कर जिगरी दोस्त हैं मजबूत तरीन मददगार और साथी हैं खैर के कामों में मदद करते हैं शर के कामों से बचा कर घसीट कर वापस लाते हैं नाजरीन किरम यह है दोस्ती का मफहम के दोस्त हमारे जैसा इंसान हमारा साथी हमें खैर की तरफ लेकर आए हमारी मदद करे हमारे मसाइल सुलझाए हमारी परेशानियों में हमारा साथ दे हमारे दुख दर्द के इलाज की कोशिश करे हमारे दुखों का मुदावा करे यह है दोस्ती का मफहम ये नहीं कि कोई आदमी आपसे फ़ायदा उठाए आपके मरतबे को इस्तेमाल करे आपकी दौलत को इस्तेमाल कर ले आपके माल से फायदा उठा ले और फिर वो आपको ना पूछे ये खुद गर्जी है मफाद परस्ती है ये दोस्ती नहीं है ये यारी नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजील्ला की दोस्ती आपको मालूम होगी अबू तालिब और कुरैश मक्का जैसे अबू जहल वगैरह की दोस्ती और साथ भी आपको मालूम होगा दोस्त की हमारी जिंदगी में अहमियत भी बहुत ज्यादा है मैं अकेला हूं कोई मसला आ जाए कोई परेशानी हो जाए कैसे हल होगा अगर कोई दोस्त हो मैं अपना मसला उससे जिक्र करूंगा अपनी परेशानी उसके सामने रखूंगा और वो मेरा दोस्त है मेरा मजबूत साथी है मेरा वली है तो फिर अपनी सारी कोशिशें लगा देगा जद्दोजहद करेगा कि मेरा मसला हल हो मेरे दोस्त का दुख दूर हो यह दोस्ती की अहमियत दोस्ती ये नहीं के एक साथ रहें एक साथ सफ़र हजर में रहें जाएं तो एक साथ जाएं, आए तो एक साथ आए खाएं तो एक साथ ये दोस्ती की अलामतें ज़रूर हैं लेकिन दोस्ती नहीं है दोस्ती उस वक्त तक नहीं है जब तक आपका दिल आपके उस भाई के लिए पूरी तरह साफ़ ना हो खलूस से भरा ना हो सच्चे जज्बे वाला ना हो जिसको आप अपना दोस्त करार देते हैं जब तक आपका अपने साथी के साथ उठना बैठना आना जाना चलना फिरना सिर्फ यूं ही है कि कोई तो साथी चाहिए इसलिए है तो ये दोस्ती का कदा नहीं हुआ नहीं ये दोस्ती का तकाजा है ये दोस्ती की अलामत ज़रूर है लेकिन दोस्ती नहीं है दोस्ती इससे बहुत आगे की चीज़ है कि कोई परेशानी आए तो मेरे दोस्त तक पहुंचने से पहले मुझ तक पहुंचे मैं उसको हल कर लूं कोई दुख हो कोई परेशानी हो कोई मुसीबत हो कोई मसला हो मेरे दोस्त तक ना पहुंचे मैं उसको हल कर लूं। ये होती है दोस्ती हर बार जमाने का सर्द गर्म हवाओं का धूप की तपिश का दोस्त अपने सीने पर झेल ले लेकिन अपने दोस्त अपने महबूब तक उस तकलीफ को ना पहुंचने दे ये है दोस्ती यह है दोस्ती का मफहम और यह है दोस्ती की अहमियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ती की अहमियत पर अच्छे दोस्त इख्तियार करने पर बुरे दोस्तों से पनाह मांगने और उनसे बचने पर बहुत जोर दिया है बहुत मशहूर हदीस है आपको मालूम होगी मसलुल जलीस जली और मसलुल जलीस और मसलुल जलीस जली का मसर उजली सि अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू वाले मुश्क वाले की तरह है और बुरे दोस्त की मिसाल का मसाले साहेबल्कीर भट्टी धोखने वाले की तरह है लोहे की भट्टी धोकता है लोहार भट्टी धोकता है उसमें लोहा पिघलाता है लोहे के अलग अलग औजार और हथियार बनाता है दोनों में कितना फर्क है एक आदमी जो खुशबू वाला है इत्र वाला है मुश्क वाला है आप उससे दोस्ती करें या तो आप उससे खरीदेंगे या वो आपको हदिएे में देगा और अगर ये दोनों काम न हुए तो तीसरा काम तो होगा कि आप उसके पास बैठेंगे तो उसके पास से खुशबू आपको आती रहेगी आपकी रूह मुआतर होती रहेगी माहौल महकता रहेगा कुछ ना कुछ फायदा जरूर आपको होगा और अगर लोहार की भट्टी के पास बैठेंगे भट्टी धोखने वाले के पास बैठेंगे तो या तो कोई चिंगारी आपके कपड़ों पर उड़ेगी आपके कपड़े जल जाएंगे वहां बैठकर आप घुटन महसूस करेंगे वहां बैठकर अगर आप घुटन महसूस ना करें आपके कपड़े ना जले तो भी उस भट्टी के धुएं से उस भट्टी की तपिश से उस भट्टी की आग से आपको तकलीफ पहुंचेगी आपका दिमाग खराब हो जाएगा मसलिल से साल मसली साहिब मिसक व मसल जली से सू कम मसल खीर अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू वाले की तरह या तो आप खरीदें तो खुशबू आए या तो वह हदयत दे तो खुशबू आए और अगर नहीं आप वहां बैठे उसके पास गए उससे हाथ मिलाया उससे बातचीत की कुछ देर उसकी मुजारसत मुसाहबत में रहे तो आपको खुशबू आई जिस जहाँ आत्तर हो गए रूप सरशार हो गई कमर सली साहेब वम अलजली सिस्ू कमर सली साहेबल खीर और बुरा दोस्त बुरा साथी भट्टी धोखने वाले की तरह है भट्टी धोकता है उसमें लकड़ियां डालता है कोयले जलाता है आपको वहां तकलीफ होगी धुएं की घुटन आग की तपिश भट्टी की वजह से होने वाली गर्मी तकलीफ बदबू कोई ना कोई तकलीफ जरूर जरूर आपको होगी कुछ नहीं हुआ तो आपके कपड़े काले होंगे कपड़े खराब हो जाएंगे यह अच्छे दोस्त चुनने की तरफ रहनुमाई और बुरे दोस्तों से बचने का इशारा अगर आपका दोस्त अच्छा है तो वह हर सूरत में आपके लिए मुफीद होगा आपके दी, आपके दीन के लिए आपकी दुनिया के लिए माशरती तौर पर समाजी तौर पर सियासी तौर पर हर जगह वह आपके लिए मुफीद होगा आपको फायदा पहुंचाएगा लेकिन अगर आपका दोस्त बुरा है बद अखलाक है बदकिरदार है बदमाश है गलत तौर तरीकों गलत धंधों वाला है तो फिर आप उसके साथ रहेंगे आप उसके जैसे नहीं है लेकिन अगर साथ रहते हैं तो उसकी बदनामी उसकी बेइज्जती, लोगों की नजरों में उसकी बुराई आपको भी नुकसान पहुंचाएंगी और आप कहा जाएगा अच्छा अच्छा ये उ, उ, उसी के दोस्त हैं उस कादमी के दोस्त हैं तो अगर बरह रास्त उसकी दोस्ती ने आपको नुकसान नहीं भी पहुंचाया तो बिलवास्ता आप बदनाम हुए और बिलवास्ता उसकी दोस्ती का ठप्पा आपके ऊपर लगा आपकी बेइज्जती हुई <coughs> लोगों ने उस आपको भी उसके जैसा समझा इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है इसलिए अच्छी तरह देख लो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है इसलिए अच्छी तरह देख लो गौर कर लो समझ लो सोच लो कि किससे दोस्ती कर रहे हो किसी से दोस्ती करना चाहते हो किसी के करीब किसी के साथ रहना चाहते हो तो जरूरी है कि पहले उसके अखलाक उसके किरदार उसके आदात अतवार के बारे में अच्छी तरह वाकफियत हासिल कर लो क्योंकि उसके साथ रहोगे तो उसका असर तुम पर पड़ेगा अभी आपने हदीस सुनी दोस्त के साथ रहोगे तो उसका असर पड़ेगा अगर वो नमाजी होगा आपको नमाजी बनाएगा अगर वो रोजेदार होगा आपको रोजेदार बनाएगा अगर वो कुरान से मोहब्बत करने वाला कुरान की तिलावत करने वाला कुरान पर अमल करने वाला होगा चाहेगा कि आप अगर उसके दोस्त बने रहना चाहते हैं तो ये अच्छाइयां आपके अंदर पैदा हो तभी दोस्ती बरकरार रहेगी और अगर वो फिल्में देखने वाला लड़कियों को छेड़ने वाला गालियां बकने वाला इल्ज़ाम लगाने वाला हराम कमाने वाला गलत कारोबार करने वाला नमाजें छोड़ने वाला अल्लाह रब्बुलमीन और रसूल सल्ला वसलम की मुखालफत करने वाला होगा तो फिर आप अगर अच्छे हैं तो अपने साथ आपको नहीं रख सकेगा या खुद आपके साथ नहीं रह सकेगा वो चाहेगा कि उसका दोस्त उसी की तरह हो ताकि बुराई में मदद मिले अल्लाह तारा ने इस बात को भी वाजे किया वल मुनाफिक मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये आपस में एक दूसरे से ही हैं ये एक दूसरे के जुज हैं एक दूसरे से हैं अलग नहीं है सब एक जैसे हैं एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं बुरे हैं बुरों से दोस्ती करते हैं मुनाफे हैं तो मोमिनों से दोस्ती क्यों करेंगे नहीं अपने जैसों से दोस्ती करेंगे फिल्म बीन है तो नमाजी से दोस्ती क्यों करेगा गालियां देने वाला है तो दुआ दुआएं दुआ देने वाले से दोस्ती क्यों करेगा बदतमीज है तो किसी तहजीब याफ्ता से दोस्ती क्यों करेगा अल्लाह और उसके रसूल का ना फरमान है तो अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम के फरमाबरदार से दोस्ती कैसे करेगा दोनों अलग अलग किनारे हैं आदमी जैसा होता है वैसे ही दोस्त तलाश करता है क्यों इसलिए कि दोस्ती उससे होती है जो दिल से करीब हो और दिल से करीब वो होता है जो हमारे जैसा हो हमारी तरह चाल चलन वाला हमारी तरह तौर तरीक़ वाला हमारी तरह आदात अतवार वाला हमारी तरह और रफ्तारो किरदार वाला जो होगा हम उससे दोस्ती करेंगे तो सल्लल्लाहु वसल्लम इसी बात की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं अलमर खिल फल आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है जैसा दोस्त वैसे आप आपका दोस्त नेक है आप नेक होंगे आपका दोस्त नमाजी है आपके उसके साथ रहने का मतलब ये कि आप भी नमाजी हैं आपका दोस्त जायज़ हलाल कारोबार करने वाला है आप उसके साथ रहते हैं मतलब ये कि आप भी जायज़ और हलाल से प्यार करते हैं और आप भी जायज़ और हलाल कारोबार करने वाले हैं इसके बरखिलाफ अगर के साथ आप रहते हैं वो शराबी हो वो जुआारी हो और आप कहें नहीं मैं शराबी नहीं मैं जुआरी नहीं तो आप उसके साथ रहते क्यों हैं कोई ना कोई खोट है वो शराबी है आपको उसका शराब पीना गवारा है नागंवर नहीं गुजरता तो मतलब ये कि आपके दिल में शराब की बुराई नहीं जुआरी है उसका जुआ खेलना आपको बुरा नहीं लगता नागवार नहीं गुजरता मतलब यह है कि आपके दिल में उसके जुए के लिए कोई ना कोई नर्म पहलू है यही बात ख़राब है और इसी की तरफ अल्लाह के नबी आल रहनुमाई करते हुए फरमाते हैं अलमर उदीन खलील ही आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है जैसे आप हैं वैसी ही संगत तलाश करेंगे जैसे आप हैं वैसी ही दोस्ती ढूंढेंगे आपका हल्के यारा आपके दोस्तों का ग्रो वैसा ही होगा जैसे आप खुद हैं आपके अख्लाक आपकी, आपकी आदत व अतवार आपका किरदार जैसा होगा वैसे ही आपके दोस्त होंगे ये हो नहीं सकता कि आप बहुत ज़्यादा हैं हैं नेक हैं पाकबाज़ नेक और आपके दोस्तों का गुरु सब बदकिरदार हैं ऐसा नहीं हो सकता और यह भी नहीं हो सकता कि आप खुद बदकिरदार हो और आपके दोस्त आला दर्जे के मुतकी परहेजगार अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम के फरमाबरदार हो ऐसा नहीं हो सकता सिवा ये कि अल्लाह किसी बुरे बंदे पर नाफरमान बंदे पर रहम करना चाहे ऐसा क्यों नहीं हो सकता इसलिए कि ये इंसानी फितरत है वो अपने ही जैसे दोस्त लोगों से दोस्ती करता है जैसी खुद की तहजीब जैसे खुद के किरदार, जैसे खुद की आदात व अतवार ऐसे ही आदात किरदार तहजीब इख्तियार करने वाले लोग हमारे दोस्त होते हैं इसलिए सदीस इस को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए अलमर दीन खलील ही फल को खाल आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है आदमी अपने दोस्त की तरह अखलाको किरदार आदात और अतवार वाला होता है इसलिए आप अच्छी तरह गौर कर लीजिए किन लोगों से आप आप दोस्ती करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक सिद्दीक अल्लाह की दोस्ती ताला ने भी जब सक्रजीती किया तो साहिब कहा साहिब यानी साथी दोस्त दसवां पारा सूरह तोबा हिजरत का मौका है अल्लाहन की तस्वीर कशी तो देखिए अल्लाह फरमाता है

उस जगह भी अपने नबी की मदद फरमाई है कि जिस जगह मदद का तुम्हारे वहम गुमान में भी तस्वर नहीं हो सकता अल्लाह ताला ने अपने नबी की ऐसे वक्त ऐसे मौके पर ऐसे मोड़ पर मदद की है कि जहां अल्लाह के अलावा किसी की पनाह किसी के आसरे का कोई ख्याल तक नहीं था जब नबी अलैहि वसल्लम और अबू बकर से देख रज्ल हिजरत के मौके पर जान हथेली पर लिए गारे सौर में छुपे हुए थे दुश्मन उस गार के दहाने तक गार के मुँह तक पहुंच चुका था अब बकरफजदा हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के रसूल वसल्लम, अगर ये लोग या इनमें से कोई अपने पैर को यानी नीचे भी देख ले तो हमें देख लेगा हम पकड़े जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला तहजन इन्नल्लाह माना अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को खुद अपने कलाम की शक्ल में नाजिल फरमाया इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहजन इन्नल्लाह माना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से कह रहे थे गम न कर घबराओ मत क्यों डरते हो डरो मत घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है ये पूरा वाकया है अल्लाह ताला ने इसमें अबू सिद्दीक अबूबक सद्दीक रजीलों के लिए साहिब का लफ्ज इस्तेमाल किया <स्थियों> और साहिब का ये माना साथी दोस्त इसके मुकाबिल, अबू तालिब और अबू जहल को देखिए अबू तालिब की वफ़ात का वक्त करीब है नबी अलैहि वसल्लम के साथ मक्की ज़िंदगी में दस साल रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए उस वक्त से लेकर शेब अभी तालिब में हिसार बंदी के मौके पर अबू तालिब कदम कदम अपने चच अपने भतीजे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। साथ रहे नहीं छोड़ा मदद करते रहे हमदर्दी करते रहे अपने मर्तबे से अपने मान से अपने ख़ानदानी वक़ार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया आखिरी वक्त है बिस्तर मर्ग पर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं यादत कर रहे हैं अपने चचा की यादत और तीमारदारी कर रहे हैं उनको हौसला दे रहे हैं और बस एक बात कह रहे हैं या अम्मी हाली मतन ओहा जो कभी इंद सही बुखारी की रिवायत चचा जान बस एक कलिमा कह दीजिए ला अला बस एक कलीमा छोटा सा कलिमा आप पढ़ दीजिए अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लीजिए सिर्फ एक कलिमा आप कह दें मैं उसी एक करीमे को बुनियाद बनाकर अल्लाह ताला के यहां आपकी मजबूत सिफारिश करूंगा ओहा जुक अभी हाँ इंद ये नहीं का सिफारिश करूंगा बल्कि कहा ओ हाथ जुक अभी हाँ से बहुत ऊँचे दर्जे की तीस बहस चीज बहस करूंगा झगड़ा करूंगा हिज्जत करूंगा आपकी नजात के लिए अब तालिब को कौन सी चीज रोक रही थी एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने पर एतमाद था भतीजे थे बचपन से अपने भतीजे को पाला था अपनी जान अपने माल से अपने खानदानी वक़ार से अपने भतीजे की हिफाजत की थी साथ दिया था फिर कौन सी चीज़ माने आ गई वहां पर उस मजलिस में जब अबू तालिब बिस्तर मर्ग पर थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये नसीहत कर रहे थे क़लिमा पढ़ने की उनसे दरख्वास्त कर रहे थे उस मजलिस में अबू जहल जैसे लोग मौजूद थे उन्होंने अबू तालिब से कहा क्या आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के दीन से फिर जाओगे बात खत्म हुई अबू तालिब अपने दोस्त अपने साथियों के बहकावे में आ गए और नतीजा यह हुआ कि कुफर पर उनकी वफात हुई जहन्नमी हुए इस्लाम की हक्कानियत उनके दिल में थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं इस बात का उन्हें एतराफ़ था तभी तो हर हर कदम पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हत्ता के शहब अभी तालब में अबू तालिब की घाटी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का सॉट करके उसमें मैसूर किया गया था अबू तालिब भी अपने पूरे खानदान के साथ उसमें मैसूर थे और सारी तकलीफ़ें उन्होंने अपने ख़ानदान वालों के साथ अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की खातिर उठाई बर्दाश्त की कुर्बानियाँ दी लेकिन आखिरी वक्त में कुफ्र पर मरते हैं ईमान लाने से महरूमी हाथ आती है क्यों बुरी दोस्ती बुरे साथी कहाँ अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती उन्हें फ़र्श अरश पर पहुंचा देती है और कहाँ तालिब सगा भतीजा पूरी दुनिया के लिए हादी और रहबर बनकर आया दूर दराज से लोग आजाद गुलाम मर्द औरतें बच्चे आ आकर उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं लेकिन बुरी दोस्ती देखिए अबू तालिब ईमान लाने से आखिरी वक्त में भी महरूम रह जाते हैं इसी बात को

काश मैंने फला को दोस्त ना बनाया होता वो काफिर जिन्होंने एक दूसरे को गुमराह किया वो फासिक जिन्होंने एक दूसरे को गुमराह किया एक दूसरे के फिस्क में साथ देते रहे वो जालिम जो जुल्म में एक दूसरे के मुआवन बनते रहे एक दूसरे के दोस्त बनते रहे दुनिया में ईमान वालों को मासूम और कमजोरों को सता कर मजे लेते रहे कयामत के दिन वो अपने दोस्तों पर और उन लोगों से दोस्ती पर अफसोस करेंगे हाथ चबाएंगे जालिम जब अपने हाथ चबाएगा अफसोस से गुस्से से शर्मिंदगी से सब कुछ लुट जाने पर या या फुला खलीला हाय काश हाय अफसोस मैंने फला से दोस्ती ना की होती फलां को अपना साथी अपना साहिब ना बनाया होता फला को अपना जिगरी यार ना बनाया होता क्या किया उसने लकद यानी बाद नी अल्लाह की तरफ से कुरान मेरे पास आ चुका था अल्लाह की निशानियाँ मेरे पास आ चुकी थी नसीहतें नसीहत की बातें इबरत की बातें मेरी आंखें देख चुकी थी मेरे कान सुन चुके थे लेकिन मेरे उस दोस्त ने मुझे अल्लाह के जिक्र से अल्लाह की याद से अल्लाह के नाम से अल्लाह के दीन से गाफिल कर दिया बहका दिया और शैतान तो इंसान को जलील करने वाला ही है यह है बुरे दोस्त और बुरी दोस्ती का अंजाम, इसीलिए ज़रूरी है कि हम सोच समझ कर दोस्ती करें दोस्ती ज़रूर कीजिए ये हमारी इंसानी जिंदगी की जरूरत है हमारी फितरत है लेकिन ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो दुनिया में हमारे काम आए आखिरत में हम जिनके साथ दोस्ती पर फख्र कर सकें ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो दुनिया में हमें नुकसान पहुंचाएं जो अपनी गरज मफाद के लिए हमसे दोस्ती करें जो हमारी बेइज्जती और बदनामी का सबब बने जो हमें नेकियों से खींच कर वापस लाएं गुनाहों की तरफ आगे लेकर जाए आखिरत में हमारे लिए बाइस शर्म और बाइस और रसवाई बने ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें अल्लाह हमें अच्छे लोगों के साथ रहने और अच्छे लोगों से दोस्ती करने की तोफ़ी अता फरमाए हमें बुरे दोस्तों और बुरे साथियों से महफूज रखे आमीन व आखिर रबीन असल व वर्क